friends, this is Umesh Arora from CATCAM Solution Meerut और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेसिंग में एंड इसके अंदर सरफेस मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे और सरफेस मॉडलिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है वो सारे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारा चैनल है CATCAM Solution Meerut के नाम से, जिसमें आपको ये सारी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग इस टाइप की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम एनेक्स में स्केच में जाके यहाँ से एक प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए आप। और यहाँ से हमने क्या किया, एक शेप ले लेते हैं फिनिश, और फिर यहाँ से लेते हैं डाटम प्लेन, सेलेक्ट करिए और कितने चाहिए यहाँ से हमें 3 चाहिए और ओके। लेकिन जो गैप है काफ़ी कम रह गया है तो अंडू किया, दोबारा से प्लेन पे जाइए, सेलेक्ट करेंगे और डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं और ओके। अब नेक्स्ट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इस पर स्केच करेंगे। फिनिश, और इस पर आके कुछ और शेप लेते हैं। एक शेप ये ले ली, फिर तीसरे पे आते हैं, इस पर स्केच करते हैं। हमने शायद दोबारा से वही प्लेन ले लिया है, स्केच लेके थर्ड प्लेन पे जाके बनाते हैं और फिर लाइन से लिया और यहाँ से कुछ दूर पे जाके मैंने फिर स्टार्ट किया। एक शेप हो गई और एक लास्ट ये वाला प्लेन है, इस पे जाके स्केच करते हैं। फिर यहाँ से ले लीजिए ऐसे कुछ मैंने शेप ले ली, इसमें से प्लेन को चाहते हैं तो प्लेन को हाइड कर दीजिएगा। अब जाते हैं यहाँ से इंसर्ट और इंसर्ट में जाके लेते हैं मैश सरफेस और यहाँ से थ्रू कर्व्स, ये ऑप्शन है हमारा थ्रू कर्व्स। थ्रू कर्व में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करिए फर्स्ट सेक्शन मिडिल से, सेकेंड सेक्शन मिडिल क्लिक, थर्ड वाला मिडिल क्लिक और ये फोर्थ वन। तो अगर आप देखेंगे अभी तो इस टाइप से आपको ये शो हो रहा है। इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से शेडिंग विद एजिस को हाईलाइट कर लेंगे, वायर फ्रेम में आ जाएगा, एजिस में ही है लेकिन ओके करने पे शायद शो करे, क्लिक और ओके। इस टाइप से हमारा जो भी सेक्शन थे उन सेक्शन को बनाता हुआ ये शेप हमारे पास आ गई है, ये हमारा बना हुआ है। इसे डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करके प्रिजर्व शेप को अगर ऑन करते हैं तो ये लाइंस जो हैं वो अलाइनमेंट वाली वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो एक तो इसका मेथड ही हो गया और एक इसका दूसरा भी मेथड है, उसके लिए फिर हमें शेप बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल में जाता हूँ। नेक्स्ट के लिए क्या करना है, सेलेक्ट किया प्लेन और रेक्टेंगल लेते हैं,
और ये एक शेप ही होगी, एक फिर ये लेते हैं दो शेप और फिलेट कर देते हैं इसको कुछ पाइप का। ताकि शेप स्मूथ है बस ये रीजन को लेने का, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं है। फिर दोबारा से इस वाले को लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से जाइए और वाई में जीरो का और रेक्टेंगल लेना भूल गया हूँ मैं, अंडू करते हैं और रेक्टेंगल ही लेता हूँ और ये एक स्क्वायर शेप ले ली और एक स्क्वायर शेप ये ले ली लगभग। अब फिलेट लेते हैं, फिलेट हमने लिया टू का और अंडू कौन ये लेते हैं फिलेट टू का लेने के बाद फ्लिट कर लेते हैं। ठीक है देखिए फ्लिट हो चुका है, यहाँ से फिनिश करिए। फिनिश करने के बाद अब मेरे पास ये चार सेक्शन आ गए हैं। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ से इंसर्ट मैश सरफेस थ्रू कर्व्स, थ्रू कर्व्स पे जाइए और यहाँ से चेंज करेंगे हम टेंजेंट कर्व और क्लिक किया फर्स्ट कर्व ये है मिडिल क्लिक, सेकेंड कर्व है ये मिडिल क्लिक, थर्ड कर्व है ये और फ्लिप कर देते हैं यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन मिडिल क्लिक और लास्ट है ये फ्लिप। तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट और एंड वाला आपस में मैच हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से जाते हैं नीचे और आउटपुट सरफेस ऑप्शंस में जाके क्लोज इन वी, तो इसको क्लोज कर देगा। तो इस टाइप के हमारा ये थ्रू कर्व्स वाले से हम सेक्शन बना सकते हैं, ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट के लिए क्या करता हूँ मैं, इस सब को डिलीट करते हैं और स्केच लेते हैं, प्लेन पे जाके ओके करिए और यहाँ पे जाके मैंने ये कुछ बना लिया और फिनिश करिए। प्लेन लेते हैं सिलेक्ट किया और यहाँ से हमें दो चाहिए और गैप ठीक है ओके कर लेते हैं। फिर स्केच पे जाएंगे सिलेक्ट करिए और दूसरा भी एक और रेक्टेंगल लिया मैंने ओके फिनिश हो जाएगा और इस लास्ट वाले पे जाके स्केच करते हैं स्केच सेलेक्ट और यहाँ पे जाके मैंने एक सर्कल बना दिया फिनिश। अब इनको हमें मिलाना है, अब हम जाते हैं यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट में जाके लेंगे मैश सरफेस और थ्रू कर्व्स, थ्रू कर्व्स में जाके यहाँ से टेंजेंट कर्व को चेंज करके इन्फ्रा कर्व्स कर लीजिए। इन्फ्रा कर्व्स में पहला ही हो गया मिडिल क्लिक, दूसरा मिडिल क्लिक, तीसरा ये सर्कल ले लिया और उसकी रिवर्स डायरेक्शन कर दी, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ से प्रिजर्व शेप में आपका तो शो हो जाएगा और यहाँ पे हमें शो कर रहा है इस टाइप का, मैं इसे सिंगल कर देता हूँ, सिंगल करने से ये ऐसा सॉलिड में पूरा जुड़ के आ जाएगा और इसकी लाइन से होगा हाईलाइट हो जाएगी। और जो अभी ये ट्विस्टिंग आ रही है इसको अगर हम प्रॉपरली ठीक करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट में जाके यहाँ से लेंगे बाई पॉइंट्स, बाई पॉइंट्स में जाके, बाई पॉइंट्स में जाने के बाद यहाँ से पॉइंट्स की सेटिंग कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा टॉप ले लेता हूँ और इस पॉइंट को ड्रैग करके इसकी जो ट्विस्टिंग है वो हम यहाँ से कम कर सकते हैं, ये स्ट्रेट आ जाएगा
और ये भी स्ट्रेट आ जाएगा। इन पॉइंट्स के अलावा नीचे के पॉइंट्स हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हो ड्रैग करके, कहीं पे लेना चाहते हैं ट्विस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं इसे और दोबारा से ले लीजिए। यहाँ से गए माय सरफेस में थ्रू कर्व्स और टेंजेंट कर्व को चेंज करके इनफर कर्व्स मिडिल क्लिक, सेकंड कर्व मिडिल क्लिक और ये सर्कल, और यहाँ से मल्टीपल की जगह लेना है सिंगल, और अलाइनमेंट में हमें लेना है बाय पॉइंट्स और पॉइंट्स को ड्रैग करके चेंज कर लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल ही है और ले लीजिए और ओके कर लीजिए, ठीक लग रहा है। तो इस टाइप का ही हमारा सेक्शन बनके आ जाएगा थ्रू कर्व्स के थ्रू। तो थ्रू कर्व्स के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।